साथ में नबी वकास अपना लेके जाते हैं, ईसाइयों के शहर पे हमला करते हैं और ईसाइयों ने देखा कि पैगंबर का वो सहाबी आया है कि जिसने बड़े बड़े किले फतह कर लिए, बहुत सहाबा में ईमान ज्यादा था, काफिर सोचता था इनके लिए हरबा क्या तैयार करे, काफिरों ने मीटिंग बुलाई, हरबा क्या करे, काफिरों के बड़े लोगों ने समझदार लोगों ने आपस में ये मशवरा किया कि मोमिनों के साथ इनके साथ मदद अल्लाह की होती है हया की वजह से, शर्म की वजह से, तुम ये करो अपनी औरतें इनके सामने ले आओ, इनकी नजरें बहकेंगी, इनके दिल जो है वो बड़े के हालात में जाएंगे, अल्लाह की मदद हट जाएगी, अल्लाह की मदद हट जाएगी। उन्होंने ये किया अपने कोठों पे, अपनी चार बारादरियों पे और अपने मकानों पे औरतों को नंगा करके। ईसाइयों की औरतें उन वक्तों में होती भी अरबों की औरतों से ज्यादा खूबसूरत होती थी और ज्यादा जो है वो चालाक होती थी। ये औरतें नंगी होकर क्या वो सहाबा किराम के सामने दावत दे रही है और सहाबी को साथ में नबी वकास को पता चला, इन्होंने ये अनुभव तैयार किए। साथ में नबी वकास ने कोई लंबा छोड़ा बात नहीं किया, सहाबा को बुलाकर एक कुरान की आयत पढ़ी, कुल लिल मुमिनीन यगुज्जु मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ु फुरूजहुम। कुरान का हुक्म है नजरों को नीचे रखो, शर्मगाहों की हिफाजत करो, ये कह के चले गए, सबको भेज दिया। तारीख ने आज तक लिखा कि सहाबा में से किसी एक की नजर भी उठकर किसी ईसाई औरत पे नहीं पड़ी थी, किसी एक की नजर उठकर किसी ईसाई औरत पे नहीं पड़ी थी। जब हमारा माजी ये था, जिस वक्त हमारा किरदार ये था, हजरत उस्मान वाला हया हमारे अंदर मौजूद था, तो हम मुस्तजाब दावत भी थे, हम काफिरों पे फाते भी थे, हम जो है वो दुनिया के सामने बाकिरदार भी थे। अभी मुझे मेरे